है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो रूट वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन रूट टू एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन माइनस वन जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो आपको ये पता है कि कॉस वन माइनस कॉस टू एक्स की वैल्यू जो होती है ये होती है टू कॉस टू साइन स्क्वायर एक्स होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा रूट टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टू एक्स। अब यहाँ पे जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया ये बता रहा हूँ, इसमें जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और रूट टू, यहाँ लिख देंगे साइन एक्स अपॉन रूट टू एक्स, रूट टू से रूट टू कट गया और इसका आंसर लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन, और इसमें ए को करेक्ट मान दें, जो कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक्चुअल में क्या क्वेश्चन बनेगा, ये एक्चुअल में क्वेश्चन बनेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये रूट टू तो आएगा ही आएगा, बट कभी भी रूट एक्स स्क्वायर जो होता है ये आपका मॉड एक्स होता है, तो इस तरह ये रूट जो आपका साइन स्क्वायर एक्स जो होगा ये मॉड साइन एक्स होगा, क्या होगा, मॉड साइन एक्स होगा। तो क्या बन जाएगा, ये रूट टू मॉड साइन एक्स बचेगा यहाँ पे अपॉन रूट टू इंटू एक्स, या ये रूट टू से रूट टू कट गया। ये क्वेश्चन आपको ये बना लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स, ये मेन क्वेश्चन बना। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। मान लो आपने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्योंकि हम एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच, क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच, एक्स टेंस टू आपको जीरो होगा, जीरो माइनस तो एच टेंस टू जीरो हो जाता है, दिया जाएगा मॉड साइन जीरो माइनस एच अपॉन, यहाँ आ जाएगा एक्स के जगह आएगा जीरो माइनस एच, ये क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो साइन ये माइनस एच, माइनस साइन एच आएगा और माइनस साइन एच मॉड से बाहर आके साइन एच हो जाएगा ये, और नीचे आपका होगा माइनस एच, तो ये अब माइनस बाहर आ गया तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस वन आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, मतलब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो प्लस एच पुट करोगे राइट हैंड में, तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ आ जाएगा साइन जीरो प्लस एच होगा मॉड अपॉन, यहाँ नीचे क्या आएगा, जीरो प्लस एच हो गया एक्स के जगह पे, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आपका आ जाएगा साइन एच, साइन एच आएगा यहाँ पे, साइन एच अपॉन क्या आएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा नीचे भी आपका पॉजिटिव आएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए आंसर इसमें क्या होगा, डी होगा, आंसर आपका वन नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपका एनडीए में भी आ सकता है, जेई मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले आया हुआ भी है ये कहीं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि एनडीए जेई मेंस में जब भी आप करते हो क्वेश्चन, तो रूट में एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो क्या लिखते हैं, हम मॉड एक्स लिखते हैं। कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह इसमें समझ में आया होगा, यदि समझ में आपको आया है अच्छी तरह से तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंडों में ज़्यादा ज़्यादा, और चैनल पे पहली बार हो मैथ्स एंड मोर तो इसको सब्सक्राइब कर लो। मैथ्स एंड मोर के नाम से मेरा ऐप भी है जिस पे मैं टेस्ट वगैरह भी डालता रहता हूँ, उससे भी आप लोगों को फ़ायदा होगा, तो प्ले स्टोर से आप वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और कोई सजेशन हो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।